अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बड़ा ही प्यारा सा बैंड बनाने वाले हैं, हेड बैंड। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बड़ा यूनिक सा है। उसके लिए मैं ये 5 कलर चूज कर रही हूँ, 5 कलर्स। ये देखिए, तो ये देखिए, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, ये पीच सा कलर है, और ये वाइट कलर है। ठीक है, बड़ा ही इजी और प्यारा है। ठीक है, आपको पसंद आएगा। तो उसके लिए ये मैंने 3 प्लाई यूज़ की है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप जो भी यूज़ करना चाहे, लेकिन ये सारी फिर सेम एक ही तरह की आपने यूज़ करनी है। ठीक है, सारी फिर 3 प्लाई, 4 प्लाई अगर यूज़ करें तो सारी 4 प्लाई। तो बस उसके लिए ये चाहिए, और एक ये बैंड, इस तरह का रबड़ बैंड चाहिए, और ये हुक। फिर आप 3 प्लाई के हिसाब से 3, 2.5 और 3 mm यूज़ कर सकते हैं। 4 अगर प्लाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 3.5 और 4 mm हुक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 कलर करके हम स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ग्रीन सेल कलर से स्टार्ट ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने स्लिप नॉट बनानी है। ये बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। डबल क्रोशिया सिर्फ बनाया हुआ है मैंने, और ये 2 तरह से बन सकता है। मैंने सिंपल चेन लेके बनाया है। आप एक अगर दोनों साइडों पे चेन चाहती हैं तो फिर आप कॉर्ड बनाकर उस तरह से भी बना सकती हैं। ठीक है, कॉर्ड जैसे हम बनाते हैं डबल थ्रेड लेकर, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने नॉट ली है, और ये देखिए मैंने ऐसे डबल थ्रेड लिया है, हमने इस तरह से बनाया, और ये देखिए इस थ्रेड का मैंने ऊपर से इसको बल लिया, और फिर इस तरह से अगर हम इस तरह कॉर्ड लेके ये बारीक सी कॉर्ड बनाकर तो फिर इसको बनाएंगे, तो हमारी दोनों साइडों से जो इसकी चेन है डबल क्रोशिए की, वो इक्वल आएगी। ठीक है, बराबर आएगी। इस तरह से अगर हम बनाएंगे, ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये बस इस एक मैंने थ्रेड का बल लेती हूँ और दूसरे के साथ हुक निकालती हूँ, फिर एक का बल लेती हूँ और दूसरे के साथ दोनों में से हुक निकालती हूँ। ठीक है, इस तरह अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से भी बन सकता है, और मैं बहुत ही इजी तरीके से सिंपल चेन से बना रही हूँ। लेकिन अगर दोनों साइडों पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो 1 मिनट में बना सकते हैं इसको, तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी दोनों साइडों से वो जो चेन बन रही है, और जब हम इसका डबल क्रोशिया लेंगे तो फिर हम ये देखें, एक चेन को अगर हम एक चेन में से डबल क्रोशिया यूं इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से एक तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली चेन इस साइड पे भी बनेगी और इस साइड पे भी बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही इजी वे से बना रही हूँ, तो मैं सिंपल चेन के साथ इसको बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैजिकल, सॉरी, स्लिप नॉट ली इस तरह से बल लेके, और हमने इस तरह निकाल लिया, ये हमारी नॉट आ गई है। और अब मैं चेन्स ले रही हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 मैंने लेनी है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक
ठीक है, ये मैंने 20 ली है, मैंने 100 लेनी है, मैंने 100 चेन्स लेनी है, 100 चेन्स, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये आप भी, मेरी 20 हो गई हैं और 100 मैंने लेनी है, 100 यानी कि मैंने लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100, ठीक है। 100 लेनी है। और आप इसके अलावा, आप अपने हेड बैंड, हम चूंकि ये बना रहे हैं तो आप अपने ये सर के सरकमफेरेंस के मुताबिक भी आप ले सकते हैं, इर्द गिर्द लपेट के, छोटा साइज बड़ा साइज, ठीक है। और ये मैं दो तरीकों से आपको बताऊंगी कि वो साइज भी हम अगर राउंड में बनाएंगे तो हम साइज इसका जो है वो तो उसके मुताबिक ही रखेंगे। अगर उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये क्लिप के तौर पर बनाना हो तो फिर हम उसकी लेंथ को अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। आप चेन्स इससे कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी, अपने यूं राउंड करके अपने ये सर के गेत लपेट कर और ये इसका बीच में गैप रख, ओके। तो चलें हम इससे आगे इसको करते हैं स्टार्ट। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी यार्न ओवर करके, 1, 2 और थर्ड वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए इस तरह, ठीक है। हर चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जो मैंने कॉर्ड का तरीका आपको पहले बताया था, अगर आप उस तरह से भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं उस तरह से। फिर हमारी ये जो, जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये हमारी ऊपर वाली साइड पे चेन सी आ रही है, वो फिर हमें दोनों साइडों पे मिलेगी, ओके। ये डबल क्रोशिए को हम इसी तरह से ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इस पूरी रो को, 100 चेन्स जो मैंने बनाई थी उसको डबल क्रोशिए के साथ ये अपनी रो कंप्लीट करूँगी, ओके, ठीक है। आप भी इसको पूरी यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और फिर मैं ज्वाइन करती हूँ आपको, आप भी उतनी कंप्लीट। ये देखिए ये मेरी डबल क्रोशिए की एक पूरी लंबी सारी कंप्लीट हो गई है। आपने इसी तरह तमाम कलर्स में सब की एक एक इस तरह की एक 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 रो बस बनाकर इस तरह की एक एक ये बना देनी स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं भी बनाती हूँ और आप भी इसको सब कलर्स की एक एक बनाएं और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है।
ये देखिए, ये मेरी सारे कलर्स की एक एक स्ट्रिप जो है वो मेरी बन गई है, ये पांच कलर्स में। अब हमने क्या करना है इसको, अब मैं यहाँ से सबके थ्रेड जो है वो कट करूँगी, और कट करने के बाद हम सिर्फ एक कलर लेंगे जो हमारे इयररिंग के साथ अटैच हो। ठीक है, हम इसी तरतीब से ये कलर्स लगाएंगे। मैं ग्रीन से ही स्टार्ट ले लेती हूँ। सबसे पहले ये मैं पिंक कलर वाली उठा रही हूँ, और आपने क्या करना है, यहाँ से मैं ये देखिए ग्रीन कलर अटैच कर लिया। ओके, थ्री चेन्स भी, 1 2 3। ठीक है, और ये जो हमारा पहला स्टिच है ये वाला, अंदर मैं 3 डबल क्रोशिए बनाऊंगी। पहला मेरा 3 चेन्स वाला हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया, और तीसरा मेरा ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लूंगी ये वाइट वाला, और ऐसे ही साथ इसको अटैच कर लूंगी, और इसके थ्रेड को भी साथ साथ अटैच कर दूंगी। यहाँ पर इसके भी फर्स्ट वाले स्टिच में मैं ये देखिए एक, और दूसरा यहाँ पे ये दो, और तीसरा भी दो। आप चाहें तो 4 4 स्टिचेस भी ले सकते हैं, 4 4 स्टिचेस। ठीक है, ये देखिए ये लास्ट वाला सही नहीं हो गया। डबल क्रोशिया मैंने लेना है, ये देखिए, और फिर ये मेरा लास्ट वाला स्टिच। अब नेक्स्ट वाला कलर ये देखिए, नेक्स्ट वाला, अब मैंने साथ ही नेक्स्ट वाला कलर रख लिया है अपना, और उसका भी इसके फर्स्ट, यहाँ पर इसके फर्स्ट से फर्स्ट स्टिच होंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने लिया। आप इसके अंदर से पहले स्टिच के ये देखिए अंदर से यहाँ से ले रही हूँ, बाकी ऊपर सारी मेरी टेल्स हैं जो मैंने, मेरे थ्रेड हैं सबके टेल्स ऊपर हैं, उनको मैं साथ साथ कवर करती जा रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, 4 भी आप, अगर वो कवर नहीं हो रहा तो आप 4 स्टिचेस भी ले सकती हैं। ओके, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से मैं सारे जो हैं मेरे ये सब को अटैच कर लूँगी। अब ये जो मेरी बिल्कुल फर्स्ट वाले थ्रेड्स हैं इनको मैं कट कर दूँगी, और बाकी मेरे साथ साथ ठीक है। अब नेक्स्ट कलर ग्रीन आ गया है, वो भी मैं इसी तरह सबकी टेल्स को भी साथ साथ मैं कवर करती जा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसके भी मैं यहाँ से पहला स्टिच जो हमारा डबल क्रोशिए वाला स्टिच है उसके अंदर, ये देखिए
अंदर ही मैं स्टिचेस ले रही हूँ। ठीक है, मैंने 3 की बजाय फिर 4 स्टिचेस ले लिए ताकि सब डिटेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये देखिए, अब मेरा नेक्स्ट वाला लास्ट वाला है आ गया है, उसको भी मैं इसी तरह से साथ ही ऐड कर, साथ में उसकी टेल्स भी। ये 1, ये 2, ये देखिए 2, और 3, और 4। ओके, ये देखिए ये मेरा इस तरह से अटैच हो गया है। और अब मैं इसको दूसरी साइड जाऊंगी और ये जो मेरे बाकी बचे हैं जो फर्स्ट वाले हैं उनको मैं कट कर दूंगी, इसको भी कट कर दूंगी, और ये लास्ट वाले का जो है इसको मैं इसके अंदर हुक डालकर तो सेव कर। हमारे एक्स्ट्रास हैं उसको हमने उनको कट कर दिया है, और उसको मैं मज़ीद आगे ले जाऊंगी। ये देखिए, अब मैं चेन 1 लूंगी और सिंगल क्रोशिया करते हुए राइट साइड पर आ जाऊंगी इस तरह से। ओके, ये देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं सीधी साइड पर आ जाऊंगी, राइट साइड पर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर हम बैंड को साथ में अटैच करेंगे। अगर आप 4 स्टिचेस लेंगी तो आपके 20 स्टिचेस होंगे, और अगर आप 3 लेंगी तो आपके 15 स्टिचेस होंगे ये टोटल। ओके, ये देखिए मैं राइट साइड आ गई हूँ। अब मैं इसके साथ अपने बैंड को अटैच करूँगी। 1, 2, ये देखिए इसके अंदर से हमने डाल के, सॉरी चेन्स नहीं बनानी, हमने यार्न ओवर करना है, हमने इसके अंदर से फर्स्ट स्टिच के अंदर से डाल के तो ये बैंड के साथ यार्न को यूं लाकर, तो ये देखिए इस तरह से। ओके, ये देखिए बैंड के नीचे से लाकर
इस तरह से हमने इसको अटैच करते जाना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह मैं ये सारे स्टिचेस में इसी तरह से इसको अटैच कर लूँगी। नेक्स्ट स्टिच, फिर नेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा इसके साथ पूरा अटैच हो गया है। तो आपको इस तरह पोनी की शक्ल में भी इसको पहन सकते हैं। ये देखिए इसको बालों में, और ये नीचे से इस तरह स्पाइरल से नज़र आएंगे इस तरह, ये देखिए, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये है, यहाँ से मैं इसको कर दूँगी एंड, और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। ये देखिए इस तरह भी नेचुरल लग रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम किसी चीज़ के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए पर्स किया मैंने, इसके नीचे रख लिया है, और हमने सबको सीधा कर लेना है। ये हमारा इस साइड पे है, ओके। जब सारी हमारी इस तरह से हो जाएंगी तो फिर मैंने इसको, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में अच्छी तरह से, इसको मैं उठाऊंगी यहाँ पर, इसके ऊपर से लाऊंगी, फिर नेक्स्ट वाले के नीचे से लाऊंगी, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर से, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा इस साइड पे आ गया है। अब मैं नेक्स्ट लाऊंगी उसको इसके, ये देखिए पहले हमारा ये नीचे था, अब ये हमारा ऊपर हो गया, और फिर हमारा ये नीचे हो गया, और फिर मैं नेक्स्ट वाले ऊपर करूंगी, ये देखिए इस तरह से, और नेक्स्ट वाले को नीचे, ओके। ये देखिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाला लाऊंगी तो मैं फिर इसके नीचे से इसके ऊपर से इसके नीचे से और इसके ऊपर से, अब हम फिर इनको सीधा करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ सके, ये देखिए, ओके। अब हमारे वाइट की बारी है, तो वाइट को इसके नीचे से इसके ऊपर से और इसके, ओके। फिर हम सबको सीधा करते हैं, फिर अब नेक्स्ट वाले को ग्रीन के नीचे से, नेक्स्ट वाले के ऊपर से, फिर इसके नीचे से, ये देखिए, ठीक है। हमारा इस तरह से बनना शुरू हो गया है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके तो ये शो कराती हूँ।
ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो एच बाकी वो खुले ना, थोड़ा सा मैं इसको करूँगी। अब मैं दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से जैसे हमने इस साइड पे इसके बनाया था, तो मेरा सबसे पहला जो है वो ये मैं ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं पिंक कलर से इसी कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। के फर्स्ट वाले स्टिच में ही मैं ठीक है, उसके बाद हमारा येलो कलर आ गया है। अब मैं येलो कलर लूंगी और येलो कलर के यहाँ से इसको मैं निकाल देती हूँ। और अब मैं ये देखिए मेरे पास येलो कलर की स्ट्रिप आ गई है, तो मैं इसके यहाँ पे येलो कलर के डबल क्रोशिया। अगर आपने दूसरी साइड पे 3 टाइम लिया है तो 3 टाइम लेना है, 3 दफा। अगर आपने 4 दफा लिया है तो 4 दफा लेना है। ओके, अब हमारा व्हाइट आ गया है, अब मैं व्हाइट करूंगी। उसके बाद हमारा ये ग्रीन कलर आ गया, और मैं ग्रीन कलर के फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर ओके। अब हमारा ये पीच वाला कलर आ गया है, तो पीच वाले कलर के फर्स्ट वाले स्टिच है। इस बैंड को पोनी के तौर पे भी पहन सकते हैं और इस तरह से। ये देखिए ये अब हमारा इस तरह से इस साइड से भी अटैच हो गया। अब मैं क्या करूँगी, सॉरी, सिंगल क्रोशिया के जरिए सीधी साइड आऊँगी, सिंगल क्रोशिया करते हुए हर स्टिच में राइट साइड पे ऊपर आऊँगी और फिर मैं इसको बैंड के साथ अटैच कर दूंगी। ओके, इंशाल्लाह आगे हैंड बैग्स की और फ्लावर्स की डेकोरेशंस की बहुत सारी डेकोरेशंस की वैरायटी आएगी।
पूरी गर्मियाँ गर्मियाँ जो हैं वो हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं आप। अब मैं ये देखिए सीधी वाली साइड पे आ गई हूँ, तो मैं ये पैंट को लगा के तो इस तरह से यहाँ पर सेम उसी तरीके से अटैच कर दूँगी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया। ये देखिए इधर से स्टिच लेकर ऐसे, ये देखिए यहाँ से स्टिच लेकर इसके नीचे से आप कमेंट कीजिए कैसा बना है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर मैं मज़ीद इस तरह की वैरायटी भी ला सकती हूँ, ज्वेलरी भी और इस तरह की चीज़ें भी। आपको जो पसंद हो आप कमेंट में आके आप अपनी बता सकती हैं कि आपके लिए मैं क्या चीज़ लेकर आऊँ। तो कमेंट्स जरूर कीजिए और इसका भी बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। बहुत ही आसान, सिंपल और प्यारा, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ डबल क्रोशिए से बना है। और मैंने इसकी जो अरेंजमेंट की है स्ट्रेप्स की, स्ट्रिप जो है स्ट्रिप्स की, वो मैंने इतनी स्टोरी स्टोरी बताया है कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए ठीक है, और ये मैंने जब बैंड को इसके मैं इसको सेव कर दूंगी नीडल में डाल के अच्छी तरह से। और ये जब मैंने बैंड को यूं किया था तो ये देखिए ये पहन सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हैंडबैग, ज्वेलरी, फ्लावर्स की एक बड़ी रेंज आ रही है। आप नेक्स्ट वीडियोस मिस मत कीजिए। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट आपके लिए लाऊंगी। इसी तरह बाकी इसकी मैं सेव कर लूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।